आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोला और बढ़लगंज बंधों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया निरीक्षण, कहा नदियों का पानी अभी खतरे के निशान से है नीचे, कटान वाले बंधों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। कावड़ यात्रा पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि कावड़ यात्री जहां से जल भरते हैं और जिस मंदिर पर चढ़ा रहे हैं जल, वहां पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी, मंदिरों की सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ब्रेथ एनालाइजर से किया गया चेक, मदिरा सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का अत्यधिक चालान के लिए गठित की गई दो टीमें, कहा दुर्घटनाओं से बचने और दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा के लिए शराब पीकर ना चलाएं वाहन। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त पवन सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन सिकंजा के तहत जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय में पैरवी करके अपराधियों को दिलाया जा रहा है सजा, एसएसपी ने कहा आगे भी जारी रहेगा अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान। बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों के बचाव पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा बीमारियों से बचाव के लिए गांव-गांव चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, कीटनाशक दवाओं का करवाया जा रहा है छिड़काव। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने नवागत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश का स्वागत समारोह का आयोजन कर अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया उन्हें सम्मानित, कहा भारतीय परंपरा और शिष्टाचार के क्रम में हम लोगों ने अपने मुखिया नवागत जिलाधिकारी का किया है स्वागत। और सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ घोषित, उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर दी एक दूसरे को शुभकामना, कहा सफलता का श्रेय जाता है उनकी मेहनत और अपने माता पिता एवं गुरुजनों को।